मैं शेख आसिफ शेख महबूब, मैं आज इस मेडिकल स्टोर यहाँ शुरू करने का मकसद सिर्फ एक ही था कि हमारा घाटी हॉस्पिटल जो है तो हमारे औरंगाबाद शहर ज़िले के अंदर एक नंबर पे है, पूरे मराठवाड़े के अंदर वो तो एक नंबर है। तो यहाँ पर जो कस्टमरों को राहत मिल रही है, जो गरीब लोग आते हैं उन गरीब लोगों को जो है तो जो मेडिसिन दूसरे मेडिकल स्टोर पे जहाँ पर उनका अगरचे 100 रुपये का बिल होता है तो यहाँ जो है तो हमारे समीर भाई उसको 60-70 रुपये के अंदर उसको जो है तो एडजस्ट करके दे रहे हैं। तो मैं जो है तो समीर भाई को बहुत बहुत जो है तो बधाई भी देता हूँ। मेरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख समीर, मैं लोक सेवा मेडिकल सोर्स पंचगी रोड घाटी गेट के सामने जो दुकान है लोक सेवा मेडिकल सोर्स उसका मालक हूँ। मैं सभी औरंगाबाद के तमाम शहरी लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि अगर आपका पेशेंट घाटी हॉस्पिटल में हो या फिर जो है तो औरंगाबाद के किसी भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, आप जो है तो बिल्कुल मुझे व्हाट्सअप करके जो है तो मेरे नंबर पे जो है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कीमत उस दवाई की। अगर से उस हॉस्पिटल में जो है तो दवाई 10,000 में आपको आ रही होंगी तो वो दवाई मेरे पास में 2,000 से 3,000 रुपये या मैक्सिमम 4,000 रुपये के अंदर आपको मिल जाएंगी। और एक मैसेज मैं और जो है तो एक मैसेज देना चाहता हूँ सभी लोगों को कि यूजुअली ऐसा होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है तो हॉस्पिटल के जो ओनर्स है डॉक्टर्स है तो वो पेशेंट को जो है तो स्ट्रिक्टली जो है तो मना ही करते हैं कि बाहर का जो दवाई हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक्चुअली जो है तो ये लीगली इसमें एक जो तो रूल है, एक्ट है और ये कानूनन जुर्म है। हॉस्पिटल वाले जो है तो तुमको ऐसा बंदिश में नहीं रख सकते कि तुम मेडिसिन बाहर से नहीं ला सकते हो। कोई भी मेरे पेशेंट जो है तो मेडिसिन बाहर से लेकर आ सकता है, अपनी मर्जी से हर किसी भी मेडिकल से ले सकते। हमारे पास में यहाँ पर हॉस्पिटल में जो एडमिट रहते हैं पेशेंट्स उनके सभी दवाइयाँ हैं, जैसे कि शुगर, बीपी, थायराइड, उसके बाद में हॉस्पिटल के अंदर लगने वाले सर्जिकल आइटम्स, इंजेक्टेबल्स जो आते हैं वो, ऑपरेशन के तक तकरीबन हर चीज़ अवेलेबल है। हर तरीके के बेल्ट्स अवेलेबल, जैसे कि पेट के हो गए, कमर के हो गए, शोल्डर अगर किसी का फ्रैक्चर है उसके है। सभी मेडिसिन जेनरिक है ऐसा भी नहीं है और सभी मेडिसिन स्टैंडर्ड है ऐसा भी नहीं है, सब मिक्स है हमारे पास में। जेनरिक भी अवेलेबल है और स्टैंडर्ड मेडिसिन भी अवेलेबल है, और जेनरिक भी जो है तो काफ़ी अच्छी कंपनी के और अच्छे रिजल्ट वाले अवेलेबल है। जैसा जो स्टैंडर्ड मेडिसिन है तो उस पर यूजली 20% मार्जिन रहता है, तो हम 12-15% डिस्काउंट देते हैं पेशेंट को। उसके बाद में जो जेनरिक है और जो सर्जिकल है तो एक फॉर एग्जांपल जैसा कोई चीज़ 150 रुपये की है तो वो चीज़ हम 30 रुपये में देते हैं पेशेंट्स को, कि डिपेंड नहीं करता है सर। मतलब लिखने के लिए हम बता रहे हैं बोर्ड पर 10-80% डिस्काउंट, बट हम जो है तो अबव 200% के भी 300% के भी ज़्यादा डिस्काउंट दे देते हैं। कोई एक इंजेक्शन है जिसकी कीमत जो है तो 500 रुपये है तो वो हम 80 रुपये और 100 रुपये में भी बेच देते हैं। हमको MRP से कुछ लेना देना नहीं है, हम जो लैंडिंग हमको आता है कॉस्ट उसके ऊपर हमारे 10-15-20% लगाकर जो है तो पेशेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं। हमारा मेडिकल स्टोर जो है तो घाटी हॉस्पिटल के मेन गेट के एग्जैक्ट सामने है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8484024241 और एक दूसरा नंबर है 9130526438। ये हमारी मेडिकल स्टोर लोक सेवा मेडिकल स्टोर है, यहाँ पर हर दवाइयाँ मिलती है और सस्ते दामों में, मुनासिब दामों में हमारे पास दवाइयाँ दी जाती है। और अभी जो उन्होंने कहे है कि बाहर के जो हॉस्पिटल्स है वो हॉस्पिटल्स वाले जो है तो एक पाबंदी लगा कर रखे हुए है कि उनके ही मेडिकल स्टोर से जो है तो मेडिसिन लेना। तो समीर भाई ने जो बताया कि जो भी अगरचे हॉस्पिटल में पेशेंट की कोई चिट्ठी उनको व्हाट्सअप करते हैं तो जो मेडिसिन वहाँ पे 5,000 का है तो यहाँ पे वो 2,000 में आएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मेडिकल का नाम ही जो है तो लोक सेवा मेडिकल रखा गया है, तो कुछ मुनाफाखोर मेडिकल वाले, मैं सब पे क्लाइम नहीं कर रहा हूँ, कुछ मुनाफाखोर जो है तो जिनके घाटी हॉस्पिटल में एजेंट्स वगैरह है और वो दुगने कीमत में यहाँ पर मेडिसिन बेचते थे, तो वैसे कुछ मेडिकल वालों ने इस मेडिकल खुलने के लिए इस हद तक के विरोध किया था, बहुत सारे जो है तो राज के पक्ष को पीछे लगाया था ताकि उनके जो है तो मुनाफाखोरों के जो जेबों में पैसा जाने वाला था वो रुक जाता था ये मेडिकल के वजह से। तो इसके लिए मेडिकल को बहुत सारे दिक्कतें उन लोगों ने खड़े की थी, लेकिन अल्लाह ने इनकी कोई ना कोई नेकी और कोई ना कोई इनका जो है तो काम अच्छा था तो अल्लाह ने कामयाबी दिया। और
आगे भी वो ऐसे काम करते रहेंगे। और हमारे जो महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता अंबाजी दानवे दादा और हमारे जो है तो ज़िले के आमदार भी है, तो उन्होंने हमको एक ताकीद करे समीर भाई को, हमारे वैजनाथ मस्की जी को, मैं शेख आसिफ को, कि जैसे तुमने नाम रखे है वैसे ही उस तरीके से यहाँ पर लोगों को सुविधा पहुँचाइए, अच्छे से अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ दीजिए और लोगों की दुआ भी लीजिए, ऐसा उनका एक आदेश भी था। और हम उनके आदेश को जो है, हमारे अंबादास दानवे जी के आदेश को हम जो है तो पूरी पूरी तरह से लेकर चल रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह हम ऐसे जो है तो लेकर चलेंगे। और आज भी जो है तो समीर भाई बहुत सारा डिस्काउंट में मेडिकल दे रहे हैं, बहुत सारे बेचारे लोग खुश होकर के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गरीब लोग आते हैं, परेशान हाल आते हैं, उनको यहाँ लूटने वाला काम नहीं होना, यही हमारा मकसद ये मेडिकल डालने का।